आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, हो मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बुगले स्टूडियो में। प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग यू ऑल। और इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट स्टीफन ब्लैकमोर ट्यूब। स्पेशली हम इस लेक्चर में तीन ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे और इसका इंसर्शन किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो भी आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तीनों ट्यूब्स में सबसे पहला ट्यूब होगा लिंटन, दूसरा होगा सैंक्सटीकन ब्लैकमोर और तीसरा होगा माइनेसोटा ट्यूब। तो मैं आपको इन तीनों ट्यूब्स को कंपैरेटिवली पढ़ूंगा। इससे पहले भी मैंने गैस्ट्रिक के काफी लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं और गैस्ट्रिक के वो सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तब जाकर कंपेयर कर पाओगे कि इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस को सीखोगे तब जाके वो लेक्चर आपका बेहतरीन बन पाएगा। तो एक लेक्चर के साथ आपको बाकी के जो प्रीवियस क्लासेस होती हैं उनको रिवाइज करना काफी मस्ट होता है। इस क्लास के अंदर स्पेशली हम आपको सिखाएंगे सैंक्सटीकन ब्लैकमोर यानी SBT ट्यूब। दोस्तों, SBT ट्यूब की आवश्यकता कब होती है और कैसे होती है, थोड़ा सा इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा होगा कि जिन क्लाइंट्स को लीवर सिरोसिस होता है तो लीवर सिरोसिस की वजह से लीवर सेल्स के अंदर इंफ्लेमेशन होगा और इंफ्लेमेशन होने के बाद वो सेल्स स्क्लेरोटिक हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जैसे ही लीवर सेल्स डैमेज होगी तो लीवर की जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती है और इस कारण से वीनस रिटर्न प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता है। तो लीवर की जो वेसल्स होती हैं, हेपेटिक वेन, इसी से कनेक्टेड होती है, हम जानते हैं पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन की ही ब्रांच होती है ईसोफेजियल वेन। तो जैसे ही लीवर सिरोसिस होता है दोस्त, तो उसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों कह रहे हैं हम, जैसे लीवर सिरोसिस हुआ तो लीवर सिरोसिस होते ही और उसका जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाएगा और इस वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ तो हमने कहा कि पोर्टल वेन से ही कनेक्टेड होती है ईसोफेजियल वेन, और जैसे ही पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो ईसोफेजियल वेन्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है और ईसोफेजियल वेन्स का जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये रप्चर हो सकती है या इनके अंदर आउट पाउचिंग्स बन जाती हैं, और आउट पाउचिंग्स बन जाती हैं जिससे कि ईसोफेगस में, अपर GIT में ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब दोस्त, इंस्टेंटली इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस पेशेंट को डाली जाती है सैंक्सटीकन ब्लैकमोर ट्यूब। तो इन जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेन्स के अंदर हो रहा है, इन ब्लीडिंग वाली आउट पाउचिंग्स को ही कहा जाता है ईसोफेजियल वेराइसेस। तो हमें इस लेक्चर को पढ़ने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो जो SBT ट्यूब होता है, SBT ट्यूब क्यों डाला जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, SBT ट्यूब टू कंट्रोल द एक्यूट ब्लीडिंग। क्या पर्पस होता है, टू कंट्रोल एक्यूट ब्लीडिंग। एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम कहां से, ईसोफेजियल वेराइसेस। ईसोफेजियल वेराइसेस हमने अभी आपको बताया क्यों होता है, तो ईसोफेजियल वेराइसेस होने का कारण होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो जाता है, आउट पाउचिंग इन ईसोफेजियल वेन्स। ईसोफेजियल वेन्स में ये आउट पाउचिंग्स बन जाती हैं और ईसोफेजियल वेन्स में बनने वाली इन आउट पाउचिंग्स को ही कहा जाता है ईसोफेजियल वेराइसेस। और अगर वेराइसेस हुआ तो हेमरेज होने लगेगा और इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो शॉक में चला जाएगा पेशेंट।
इसलिए हमें इंस्टेंटली इस एक्यूट ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तुरंत ही पेशेंट को सैक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब डालना पड़ेगा, जो इंस्टेंट इस एक्यूट ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देगा। तो आइए जानते हैं इस ट्यूब को कैसे इंसर्ट किया जाता है और इसके क्या पर्पस होते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? चलिएगा, सबसे पहला जो ट्यूब आप देख रहे हैं जिसमें केवल एक ही बलून है, ये होता है लिंटन। दूसरा ट्यूब जो आप देख रहे हैं ब्लैकमोर, इसके अंदर तीन ओपनिंग्स होती हैं। कितनी ओपनिंग्स होती हैं? तीन ओपनिंग्स होती हैं। और नंबर फोर देख रहे हैं माइनसोटा, जिसके अंदर फोर ओपनिंग्स होते हैं, चार पोर्ट होते हैं इसके अंदर। कितने पोर्ट होते हैं? चार पोर्ट। तो ये पोर्ट्स के आधार पर डिफरेंस इनके अंदर आप देख सकते हो। लिंटन, लिंटन में तीन पोर्ट होते हैं बट एक ही बलून होता है। ब्लैकमोर के अंदर तीन पोर्ट होते हैं लेकिन दो बलून होते हैं। आप माइनेसोटा को देखोगे तो इसके अंदर चार पोर्ट होते हैं। ये है इनकी आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? बात आगे बढ़ाता हूं। डेफिनेशन देखिए, असिस्टिंग इन द इंसर्शन ऑफ द सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब और द माइनेसोटा बलून विच एक्सर्ट द प्रेशर डायरेक्टली ऑन द ब्लीडिंग साइट इन द ईसोफेगस और स्टोमक। दो सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्शन के पीछे पर्पस क्या है? जस्ट ब्लीडिंग साइट्स इन द इसोफेगस एंड स्टोमक। हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है ये ट्यूब? तो इट एक्सर्ट्स द प्रेशर डायरेक्टली। ये क्या करेगा? बलून डायरेक्टली उस ब्लीडिंग साइट पे जा करके और प्रेशर लगाएगा और वो प्रेशर सी की वजह से ही वहां से ब्लीडिंग रुक जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है बात? समझ गए आप? यहां तक क्लियर है ना? तो हाउ द माइनेसोटा या हाउ द एसबीटी ट्यूब फंक्शन? तो इट डायरेक्टली एक्सर्ट द प्रेशर। पहला क्वेश्चन याद रखना, इट डायरेक्टली एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइट इन द ईसोफेगस और इन द स्टोमक। समझ गए यहां तक बात? आगे बढ़ता हूं। ये जो ट्यूब आप देख रहे हो दोस्त, ये ट्यूब है सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब, एसबीटी ट्यूब। क्लियर? ये इसका डिटेल्ड में पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए, सबसे पहला पोर्ट गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट, इसोफेजियल बलून पोर्ट। देखना, जब आप जीआईटी को देखोगे तो जीआईटी कुछ इस प्रकार से हमें नजर आता है। ये इसोफेगस है और ये है स्टोमक। क्लियर है? अब इसोफेगस और स्टोमक में हम देखते हैं तो क्या क्या होगा, आइए जानते हैं। दोस्त, जब इस ट्यूब के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो इसका जो पोर्ट होते हैं इसके अंदर, वो तीन पोर्ट होते हैं। ये देखिए, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के लिए ओपनिंग्स होती हैं। क्लियर? दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक बलून होता है जो ब्लीडिंग को रोकेगा। इसोफेजियल बलून होता है जो ब्लीडिंग को रोकेगा। तो सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब के अंदर जो बलून्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बलून्स होते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी कि ब्लीडिंग साइट पर प्रेशर लगाने के लिए। और जो ओपनिंग्स होती हैं वो होती हैं एस्पायरेशन करने के लिए, फ्लूड्स को निकालने के लिए। उस ब्लीडिंग वाले एक्स्ट्रा फ्लूड को बाहर बॉडी से निकालना है। तो सिंपली हम जानते हैं गैस्ट्रिक इस ट्यूब के बारे में। तो देखिएगा, ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग्स, ये ओपनिंग क्या काम करेगी? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट। तो इन ओपनिंग्स का जो कनेक्शन होगा वो इस पोर्ट से होगा, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट से, तीनों ओपनिंग्स का, जिसमें से होकर जो ब्लीडिंग होगी ना इसोफेगस के अंदर या स्टोमक के अंदर, इस ब्लीडिंग को हम एस्पायरेट करेंगे। तीसरा होता है गैस्ट्रिक बलून पोर्ट। इसके माध्यम से अगर आपको केवल ये अलग अलग रखने के पीछे पर्पस है कि यदि अगर मान लीजिएगा आपको ये जो बलून है स्टोमक वाला, इसको ही आपको अगर इन्फ्लेट करना है तो आप इसको भी कर सकते हो, या आपको इसोफेजियल भी करना है तो आप केवल इसोफेजियल भी कर सकते हो। तो ये जो पोर्ट आप देख रहे हो गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, गैस्ट्रिक बलून पोर्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्त? ये जो गैस्ट्रिक बलून आप देख रहे हो, इस गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट कर सकते हैं। तीसरा पोर्ट हमारे पास है, देखिए यहाँ पर, इसोफेजियल बलून पोर्ट। और इसोफेजियल बलून पोर्ट के माध्यम से हम, ये जो आप देख रहे हो तीसरा वाला बलून, ये है इसोफेजियल बलून, और इस बलून को इसके माध्यम से हम इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको मैंने आज एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्त, इसके बाद आपको कभी भी सैंक्सटेकन ब्लैकमोर से रिलेटेड कोई डाउट
नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यह समझ जाओगे कि सैंक्सटीकन ब्लैक मोर ट्यूब कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर। क्लियर है, बात समझ गए आप? तो इस तरह से इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, सैंक्सटीकन ब्लैक मोर ट्यूब जब इन बॉडी जब स्टोमक के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये कहां तक किस तरह से होता है ये भी आप जान लीजिएगा। क्लियर, तो देखिएगा ये सैंक्सटीकन ब्लैक मोर ट्यूब यहां से हमने इंसर्ट कर रखा है। सैंक्सटीकन ब्लैक मोर ट्यूब के अंदर बलून्स का प्रेशर मेजर करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं यहां पर मैनोमीटर को। क्या कनेक्ट कर रखा है ये मैनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। गैस्ट्रिक बलून पोर्ट है ये, और ये है इसोफेजियल बलून पोर्ट, और यहां से गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट है, और ये इस तरह से टेंशन विद द 250 से 500 ग्राम वेट, और यहां से हमने ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। देखो, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टोमक से होते हुए, और फाइनली ट्यूब स्टोमक में पहुंच चुका है। क्लियर है, इस तरीके से ट्यूब इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं आपसे ये आज के टेस्ट के अंदर जरूर पूछने वाला हूं। टाइप्स ऑफ ट्यूब यूज्ड फॉर द टेम्पनोड और देयर पार्ट्स। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सी ट्यूब अवेलेबल है। तो पहला है सैंक्सटीकन ब्लैक मोर ट्यूब, SBT ट्यूब। इसमें तीन बलून्स होते हैं जो मैं अभी बता ही चुका हूं कई बार आपको पहले भी। पहला बलून इसोफेजियल गैस्ट्रिक बलून, और तीसरा एस्पिरेशन पोर्ट होता है। तो क्या क्या होता है, दो बलून होते हैं, एक गैस्ट्रिक एक इसोफेगस, ओके। और चौथा क्या होता है, गैस्ट्रिक में से कंटेंट्स को एस्पिरेट करने वाला। तो थर्ड वाला जो पार्ट होता है पोर्ट होता है वो ये वाला होता है। ये इस तरह की ट्यूब्स हैं जो सैंक्सटीकन ब्लैक मोर ट्यूब है, जो भी आपको कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं अभी इस लेक्चर के दौरान। आगे बताता हूं, दूसरी माइनेसोटा ट्यूब है। माइनेसोटा ट्यूब के अंदर आपसे क्या कहा मैंने, चार पोर्ट्स होते हैं। कितने पोर्ट्स होते हैं दोस्त, चार पोर्ट्स होते हैं। चार पोर्ट्स में याद रखना कौन सा एक्स्ट्रा पोर्ट्स होता है इसके अंदर। तो इसमें इसोफेजियल बलून सेम एज इट इज SBT होगा, इसमें गैस्ट्रिक बलून जैसा SBT में होता है वैसा माइनेसोटा के अंदर होता है। नंबर थर्ड, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट, तो वो तो IT में भी होता है, इसमें भी होता है। बस इसमें एक और खास बात क्या होगी दोस्त माइनेसोटा के अंदर, कि माइनेसोटा में इसोफेगस में से भी एस्पायरेशन किया जा सकता है, यानी कि इस ट्यूब की मदद से इसोफेजियल कंटेंट्स को भी एस्पिरेट कर सकते हैं। तो सैंक्सटीकन और माइनेसोटा में क्या क्या डिफरेंस है, तो माइनेसोटा के अंदर चार पोर्ट दिखेंगे जबकि सैंक्सटीकन में तीन पोर्ट दिखेंगे। इनके प्रेशर को, बलून प्रेशर को मैनोमीटर से मेजर करेंगे, और इसो माइनेसोटा के अंदर स्पेशली ध्यान देना दोस्त कि क्या डिफरेंट होगा, इसके अंदर डिफरेंट होगा कि इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट भी इसके अंदर आ जाता है। समझ गए, तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस होता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो माइनेसोटा के अंदर पाया जाता है। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ता हूं। तो दोनों ट्यूब्स कंपैरेटिवली जब आप देखोगे तो ये माइनेसोटा है और ये है सैंक्सटीकन ब्लैक मोर। आप जानते हैं पर्पस, क्या पर्पस होता है, तो मैं इनिशियली ही आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी हम इस तरह से देखते हैं तो यहां लीवर होता है, लीवर से पोर्टल वेंस निकलती है, और ये पोर्टल वेंस जो होती है इसी की ब्रांच होती है इसोफेजियल वेंस। इसोफेजियल वेंस में कई बार क्या होगा, अब अगर किसी क्लाइंट को एल्कोहलिक पेशेंट है और तो इसको क्या हो जाता है दोस्त, इसको हो जाता है लीवर सिरोसिस। क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, और जैसे ही लीवर सिरोसिस होगा तो लीवर के अंदर क्या होगा, ब्लॉकेज आ जाएंगे, लीवर फाइब्रोटिक हो जाएगा, और फाइब्रोटिक होते ही और इसकी पोर्टल वेंस जो होंगी इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि क्या बढ़ जाता है दोस्त, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन हम जानते हैं पोर्टल वेन की ही ब्रांच है इसोफेजियल वेन, तो पोर्टल हाइपरटेंशन होते इसोफेजियल प्रेशर बढ़ेगा, और इसोफेजियल वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो इस वजह से इसोफेजियल वेन्स के अंदर क्या हो जाएगा, आउट पाउचिंग बन जाएगी, और इसोफेजियल वेन्स के अंदर बनने वाली इस आउट पाउचिंग को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वेराइसिस। तो यहां ब्लीडिंग होने लग जाएगी अगर ये रप्चर हो गए तो, इसलिए इंस्टेंट एक्यूटली इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम डालेंगे ट्यूब। तो देखिएगा क्या पर्पस होता है, टू अरेस्ट द एक्यूट ब्लीडिंग, याद रखना टू अरेस्ट द एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द इसोफेजियल वेराइसिस, फ्रॉम द इसोफेजियल वेराइसिस और स्टोमक।
क्लियर है, इस पर्पस से डाला जाता है सेंस टेकन ब्लैकमोर। आई होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों, बात समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को जल्दी से। आप लाइक नहीं करते हो मुझे कहना पड़ता है वीडियो को, प्रॉपरली फीडबैक भी नहीं देते हो मुझे। फीडबैक और लाइक इन सब चीजों से बहुत प्रेम है, आप ये सब चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं दोगे, देखो आप ये ध्यान रखें, मुझे आपके लिए डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आप अपने पुराना स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो रद्दी छाप, तो आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। तो हमेशा मेरी जिंदगी के अंदर मैं इस चीज का बहुत ही ख्याल रखता हूं कि एक तो मैं रोज अपने आप को अपडेट करता हूं करंट नॉलेज के साथ में, कि क्या नया अपडेशन है, क्या लेटेस्ट हो सकता है, और मेरा स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अप टू डेट मिलेगा आपको बिल्कुल पैरामीटर्स के साथ। और तो और आपको आने वाले 5 साल के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आज का स्टडी मटेरियल मिलेगा, कि आने वाले 5 साल के भी अगर आप पेपर दोगे तो ये स्टडी मटेरियल आपके लिए काफी सफिशियंट है दोस्त। तो मुझे रोज अपने आप को अपडेट करना होता है, और इसीलिए मुझे आप सबका फीडबैक जानना बहुत ही कंपल्सरी होता है, मस्ट होता है। अंडरस्टैंड, क्लियर है, आगे बढ़ता हूं बात को। तो देखिएगा दोस्त, आर्टिकल्स की क्या क्या आवश्यकता होगी जब हम ट्यूब डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ट्यूब सेलेक्ट कर ले, एसबीटी या माइनस ओटा, कॉर्ड आर्टरी फोर्सेप चाहिए और टिप्स प्रोटेक्टेड विद द रबर ट्यूबिंग। कर्व्ड आर्टरी रखना, और कर्व्ड आर्टरी रखोगे तो कर्व्ड आर्टरी में याद रखना, इसकी जो कर्व्ड आर्टरी की टिप्स होनी होगी, उन टिप्स के पर क्या लगा होना चाहिए, रबड़ का ट्यूबिंग लगा होना चाहिए। यह विशेष बात है इसके अंदर याद रखना। कौन सी आर्टरी यूज करोगे, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। लेकिन खास बात क्या होगी, उसकी जो कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है उसकी टिप्स के ऊपर क्या लगा होना चाहिए, रबड़ की ट्यूबिंग होनी चाहिए। लुब्रिकेंट चाहिए, एडेसिव चाहिए, सिरिन चाहिए, ग्लव्स की आवश्यकता होगी, रख लिया सब। वैसलीन गोज रख लो और बेसिन रख लो, आइस चिप्स उसके अंदर रखो, टॉवल रख लो और एमेसिस बेसिन रख लो, रख लिया क्या सब। देन डिवाइस टू अप्लाई द ट्रैक्शन, ये ऑप्शनल है, और लार्ज सीजर होनी चाहिए, इमरजेंसी डिफ्लेक्शन। अगर दोस्त याद रखना, सैंक्स टेकन ब्लैक मोर ट्यूब यदि अगर अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, या पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगे और इमरजेंसी में इस ट्यूब को डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑलवेज यू शुड नीड टू कीप अ बेड साइड सीजर। ये क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स के अंदर कई बार मैंने देखा है। तो क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, यहीं से पूछे जाएंगे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको रोज टेस्ट के माध्यम से। अभी इसका भी टेस्ट पेपर अपलोड होगा, तो आप इसका टेस्ट भी दोगे ना, तो आप देख लोगे। तो बेड साइड आपके पास कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए जब किसी पेशेंट को एसबीटी ट्यूब लगाया गया है, ये कई बार एम्स ने पूछ लिया। तो याद रखना, हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्त, लार्ज सीजर होनी चाहिए। बेड साइड हमारे पास क्या होनी चाहिए, लार्ज सीजर होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में यदि अगर ट्यूब को डिफ्लेक्शन करने की जरूरत पड़ गई, तो इमरजेंसी में डिफ्लेक्शन करना पड़ गया तो हम ऐसे हवा निकालने नहीं बैठेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक साथ ही इसको क्या करेंगे, सीजर के माध्यम से कट कर देंगे ट्यूब को, और कट करके इंस्टेंटली एज सून एज पॉसिबल हम रिमूव कर देंगे। देन मैनोमीटर चाहिए प्रेशर मेजर करने के लिए, टू मेजर द बलून प्रेशर। बलून ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, अगर मान लो आपने ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, तो याद रखना इससे क्या होगा, ईसोफेगस में नेक्रोसिस हो जाएगा, स्टोमक में नेक्रोसिस हो जाएगा। तो इसलिए ये भी याद रखना कि ज्यादा प्रेशर कहीं ना लगा दें आप, बलून में ज्यादा एयर पुश ना कर दें। तो याद रखना दोस्त कि प्रेशर इक्वल होना चाहिए, प्रेशर जो है वो हमेशा पैरामीटर्स में ही होना चाहिए, वरना नेक्रोसिस प्रोड्यूस कर देगा। और प्रेशर को मेजर करने के लिए इसलिए आपके पास होना चाहिए मैनोमीटर। क्या होना चाहिए, मैनोमीटर होना चाहिए। आइए जानते हैं, प्रोसीजर करते हैं कि किस तरह से सैंक्स टेकन ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्ट करेंगे। तो जानिए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं पिछली क्लासेस के अंदर भी। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर और गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। इससे क्या होगा, एंजाइटी रिड्यूस होगा और कॉपरेशन मिलेगा। एंजाइटी रिड्यूस कर दिया क्या, कॉपरेशन मिल गया क्या, इक्विपमेंट तैयार कर लिए क्या, ये सब तैयारियां हो गई हो तो आगे बढ़ू। क्या कमी रह रही है, अभी कमी रह रही है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने की, वो मत भूल जाना। आपकी अपनी सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है, तो ले लीजिएगा फटाफट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तैयार है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, और अब बात आगे बढ़ेगी। तो देखिएगा,
क्या करे, एलिवेट द हेड ऑफ बेड स्लाइटली अनलेस द पेशेंट इज इन द शॉक. यदि अगर पेशेंट शॉक में नहीं है, शॉक में नहीं है, तो फिर क्या करो, आप पेशेंट का जो बेड है हेड साइड से उसको एलिवेट कर दो. कर दिया, तैयार कर रहे हैं पेशेंट को, सैंक्स टेकन ब्लैक मोर ट्यूब डालेंगे, तो बेड साइड एलिवेट कर दो. कर दिया क्या, चेक द बलून बाय द ट्रायल इन्फ्लेशन टू डिटेक्ट द लीकेज. ऐसा मत कर देना कि पैकेट खोला और खोल के और बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ही ट्यूब हमने इंसर्ट कर दिया. पता चला ट्यूब पूरी तरह से फिट कर दिया आपने और उसके बाद आपको पता चले कि इस ट्यूब के बलून में लीकेज है, तो बताओ कैसी पिक्चर बनेगी आपकी. अगर आपने बिना सोचे समझे सेंक्सटेकन ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करके और आपने बलून को इन्फ्लेशन किया और पता चला कि बलून में लीकेज है, तो बताओ कैसा, कैसी पिक्चर बनेगी. ऐसा होना चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं होना चाहिए. तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, इंसर्ट करने से पहले ही एक बार ट्यूब को ट्रायल करके देख लेना बलून्स इन्फ्लेशन को, और पानी में डुबा के देख लेना कहीं बुलबुले तो नहीं उठ रहे हैं. बुलबुले उठ रहे हो, बबल्स आ रहे हो, तो मतलब उसके अंदर क्या है दोस्त, लीकेज हो रहा है, रिप्लेस करो उसको. क्लियर? तो आइए जानते हैं, चेक द बलून बाय द ट्रायल इन्फ्लेशन टू डिटेक्ट द लीकेज. दिस इज द बेस्ट डन अंडर द वाटर. बेस्ट से बेस्ट लीकेज चेक करने का तरीका है वाटर के अंदर ट्यूब को डिप करके. इजियर टू सी द एस्केपिंग ऑफ द एयर बबल. जैसे ही वाटर में आप करोगे तो बबल्स उठते हुए आप देख पाओगे अगर लीकेज है तो. आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है. चिल द ट्यूब देन लुब्रिकेट इट. उसके बाद ट्यूब को लुब्रिकेट कर लीजिएगा. बिफोर द फिजिशियन पार्ट पास इट वेयर द माउथ और नोज. याद रखना सेंक्सटिकन ब्लैकमोर माउथ से भी इंसर्ट किया जा सकता है और नोज से भी इंसर्ट किया जा सकता है. चिलिंग मेक्स द ट्यूब मोर फर्म और लुब्रिकेशन लेसन द फ्रिक्शन. प्रोवाइड द पेंट विद अ फ्यू सिप ऑफ वाटर. कुछ पीने का पानी दे ताकि ट्यूब अंदर चला जाए. जिस तरह से एनजी डालते हो वहां तक का प्रोसेस तो सेम रहेगा. क्लियर? अरे भाई बोलो यार. अरे यार लाइक तो कर दो. अभी मैंने फिर कहा तुम लोगों से, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर. तुम क्या मुझे लाइक नहीं करते हो क्या यार? अरे मुझे लाइक नहीं करते हो क्या? मैं स्मार्ट नहीं लगता हूँ क्या? बताओ ना, स्मार्ट नहीं लगता हूँ? चलो इस बात पे अब बात हो ही जाए खुल के. मेरी नजर पड़ती है, मुझे लाइक कम दिखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है. जैसे ही मेरी उधर लाइक नजर पड़ती है आपके कमेंट्स की तरफ, देखता हूँ यार आप लाइक ही नहीं करते हो मुझे. मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? तुम लोग पसंद नहीं हो क्या? बताओ यार, शक्ल सही नहीं है मेरी? बाल वाल नहीं कटवाए पिछले 2 महीने से तो तुम लोगों को बढ़िया नहीं लग रहा, हैंडसम नहीं लग रहा? लाइक कर दिया करो यार भाई, कोशिश करेंगे और हैंडसम बनेंगे और बढ़िया अच्छे से. फिर क्या दिक्कत है जब तुम कह रहे हो कि बहुत हैंडसम हो, बहुत ही गजब लगते हो आप, तो ऐसी ऐसी तुम कहते हो और फिर उसके बाद तुम लाइक करते नहीं हो, तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? कि तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो क्या? मक्खन लगा रहे हो? बोलो यार क्या है, मक्खन लगा लगा के कि हाँ पढ़वा रहे हो मुझसे? मक्खन लगा लगा के कि हाँ, मक्खन लगा लगा के सर से कहते रहो, सर पढ़ाते रहेंगे बढ़िया और मजे लेते रहो, ऐसा है क्या? ऐसा है तो वो बता दो यार, जैसा है वैसे बता दिया करो तुम लोग. ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं. चलिएगा, अब आगे बढ़ती है बात. तो वेरीफाई द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब इन द स्टोमक बाय इरिगेटिंग द गैस्ट्रिक ट्यूब विद एयर व्हाइल ऑस्कल्टिंग ओवर द स्टोमक. आपको इसका जो राइट प्लेसमेंट है वो कैसे वेरीफाई करना होता है, तो याद रखना आपको इसमें क्या करना, एयर पुश करना है. इसका राइट प्लेसमेंट वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूं. एयर पुश करो, एयर पुश करने पर आप स्टोमक के ऊपर ऑस्कल्ट करके देखो, आपको आवाज सुनाई देगी जैसे पानी में एयर पुश करते हैं वैसी. तो हाउ टू असेस द राइट प्लेसमेंट ऑफ एसबीटी, तो जस्ट वेरीफाई द प्लेसमेंट बाय इरिगेटिंग द गैस्ट्रिक ट्यूब विद एयर. एयर इरिगेट करें व्हाइल ऑस्कल्टिंग ओवर द स्टोमक. स्टोमक के ऊपर ऑस्कल्टेशन करना है और क्या सुनना है, सुनना है एयर पुश करने की आवाज.
तो बोलो सुन लोगे, तो आज से आपकी नॉलेज के अंदर ये एक नई बात ऐड कर लेना कि हाउ टू वेरीफाई द राइट प्लेसमेंट ऑफ एसबीटी। एसबीटी का राइट प्लेसमेंट कैसे वेरीफाई करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, समझ गए क्या? अरे बोलो ना यार, तुम एक तो बोलते नहीं हो, बात समझ गए? इट इज इम्प्रेसिव इम्परेटिव दैट द ट्यूब इज इन द स्टोमक सो दैट द गैस्ट्रिक ट्यूब इज नॉट इम्प्लांटेड इन द इसोफेगस। ऑप्टेन एक्सरे, आप इसका एक्सरे भी ले सकते हो टू लोअर चेस्ट और अपर एब्डोमेन टू वेरीफाई द प्लेसमेंट। इसका सही प्लेसमेंट देखना चाहते हो तो कहां का एक्सरे करना पड़ेगा? एक्सरे करना पड़ेगा लोअर चेस्ट और अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन और लोअर चेस्ट एक्सरे के द्वारा सेंस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब का प्लेसमेंट देखा जा सकता है टू वेरीफाई द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब इन द स्टोमक। इन्फ्लेट द गैस्ट्रिक बलून विद द एयर एंड जेंटली पुल ट्यूब बैक टू द सीट बलून अगेंस्ट द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। याद रखना गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करना, पहले सबसे पहले कौन सा बलून इन्फ्लेट करोगे? पहली बार में गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करेंगे, फिर थोड़ा सा पीछे पुल करेंगे, पुल करके और उसको स्टोमक की ओपनिंग पर बिल्कुल फिक्स कर देंगे। कर दिया फिक्स, तो पुल बैक देन पुल ट्यूब बैक टू द सीट बलून अगेंस्ट द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। एग्जर्ट प्रेशर अगेंस्ट द कार्डियक स्फिंक्टर। जब गैस्ट्रिक बलून को आप थोड़ा सा पुश करोगे, ट्यूब को बाहर खींचोगे, तो उससे क्या होगा? स्टोमक की कार्डियक स्फिंक्टर को बिल्कुल बंद कर देना। बंद कर दिया तो कार्डियक स्फिंक्टर बंद हो गया भाई। देन क्लैंप द गैस्ट्रिक बलून। अब गैस्ट्रिक बलून को क्या करो? क्लैंप कर दो, एक तरफ उसको हटा दो। क्लियर? देन क्लैंप द गैस्ट्रिक बलून ट्यूब एंड मार्क द ट्यूब लोकेशन एट द नेयर। और नेयर्स पर ट्यूब का लोकेशन जितना आया है उसको मार्क कर लो। अब कर लिया इतना काम हो जाएगा तो आगे बढ़ूंगा। कर लिया इतना काम, आगे बढ़ रहा हूं तो फिर मैं। प्रिवेंट द एयर लीकेज और ट्यूब माइग्रेशन। द मार्क ऑन द ट्यूब अलाउ इजी विजुअलाइजेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्यूब। मार्क इसलिए किया ताकि प्रॉपरली उसकी जो लेंथ है वो हमें याद रहे। हमने उसको क्लैंप इसलिए किया ताकि उसके अंदर जो एयर आपने फिल करी है वो लीकेज ना हो जाए। क्लियर हो गई है बात यहां तक? अरे भाई बोलो यार। अप्लाई द जेंटल ट्रैक्शन टू द बलून ट्यूब एंड सिक्योर इट विद अ फोम रबर क्यूब। ये एक स्पेशल प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है दोस्त, जो सेंस टेकन किट के अंदर मिलेगा आपको। इसे कहते हैं फोम रबर क्यूब। इस फोम रबर क्यूब की मदद से नोज के साथ इसको सिक्योर कर देना, एट द नेयर्स, नेयर्स के साथ इसको सिक्योर कर देना। प्रिवेंट द ट्यूब फ्रॉम माइग्रेशन और पेरिस्टालसिस, असिस्ट इन द एक्सर्टिंग द एडिक्वेट प्रेशर। देन अटैच द वाई कनेक्टर। अब इसके साथ आपको कनेक्ट करना है क्या? वाई कनेक्टर, जो मैंने आपको तब पढ़ाया था जब सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करना सिखाया था। याद करो वो लेक्चर जिसमें हम आपको सिखा रहे थे सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करना। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करने वाली क्लास के अंदर हमने कहा था कि वाई पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वाई पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे मैनोमीटर। तो कर देते हैं, वाई कनेक्टर ले आओ और वाई कनेक्टर किससे जोड़ो? इसोफेजियल बलून ओपनिंग से। और अटैच कर दो सिरिंज टू वन आर्म ऑफ द वाई कनेक्टर एंड द मैनोमीटर टू द अदर आर्म। एक आर्म से वाई कनेक्टर के एक आर्म से, तो ये कनेक्टर कैसा है? ऐसा है इसमें दो दो ओपनिंग से। इधर तो आप सिरिंज कनेक्ट कर दो, इधर तो सिरिंज कनेक्ट कर दीजिएगा और इधर क्या कनेक्ट कर दो दोस्त? तो मैनोमीटर कनेक्ट कर दीजिएगा इधर। Then inflate the esophageal balloon to the 25 से 35 mm of Hg pressure और clamp the esophageal balloon। अब gastric balloon तो पहले से ही आपने inflate कर रखा है, अब उसके बाद Y port connect करके और अब आप किसको inflate करोगे? Esophageal balloon को inflate करेंगे। Esophageal balloon का pressure manometer से measure करना है और 25 से लेकर 35 mm of Hg से ज्यादा प्रेशर नहीं रखा जाता है। अरे मैं कह रहा हूं ना, एम्स को तो मैं
धूल चटवा दूंगा, पना मंगवा दूंगा एम्स को। तो एक बार तुम पढ़ तो देखो, पढ़ाई तो देखो मेरी, आप यहां से आकर के कोटा आके देखो आप पढ़ाई, अभी तो ऑफलाइन में देखो, अभी तो तुमने ऑनलाइन में देखी है, तो कोटा की पढ़ाई तो देखो तुम। मैं कह रहा हूँ एम्स तो पना मांगेगा आपके सामने, एक एक क्वेश्चन ऐसा क्रिस्टल क्लियर है ना, पूरे लेक्चर उठा के देख लेना। अभी ये शायद 77वीं क्लास चल रही है, 77 क्लासें पढ़ा चुका हूँ क्लिनिकल की, और क्लिनिकल जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उसका दिल्ली एम्स उससे पना मांगेगा, दिल्ली एम्स पना मांगेगा उससे, जिसका क्लिनिकल बहुत मजबूत है। और क्लिनिकल के लिए अब आपको क्लिनिकल में जाने की जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, पूरे लेक्चर उठा के देख लेना, और लेक्चर अगर पूरे पढ़ लिए तो मैं कह रहा हूं ना क्लिनिकल का तो एक एक क्वेश्चन, बारीक से बारीक क्वेश्चन भी टिप्स पे रहेगा आपके, याद रखना दोस्त, क्लियर। तो 25 से 35 mm ऑफ HG प्रेशर आपको सेट करना है, कौन से बलून का, इसोफेजियल बलून का, क्लियर है, और उसके बाद क्लैंप कर देना है। अब देखिए, मेंटेन इज एनफ प्रेशर टू द टेम्पनोड ब्लीडिंग व्हाइल प्रिवेंटिंग द इसोफेजियल नेक्रोसिस। ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, नेक्रोटाइज हो जाएगा इसोफेगस, क्लियर है बात, समझ गए यहां तक, आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। ये जो ट्यूब देख रहे हैं इसमें आपने क्या कर रखा है, इस तरह से इसोफेजियल बलून है, इस पर आपने प्रेशर फिल कर दिया, कितना, 25 से 35 mm ऑफ HG, समझ गए दोस्त, क्लियर है, ये प्रेशर रखना है आपको इसका। देन अप्लाई द सक्शन टू द गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट एंड इरिगेट एटलीस्ट आवरली। अब आप क्या करें, जो गैस्ट्रिक इरिगेशन पोर्ट है अपने पास, उस गैस्ट्रिक इरिगेशन पोर्ट पे क्या करें, सक्शन करें आप, अप्लाई द सक्शन, सक्शन अप्लाई करके और जो स्टोमक के अंदर ब्लीड हो रहा है उसको बाहर निकालते रहो, क्लियर है। अब सक्शनिंग एंड इरिगेटिंग द ट्यूब कैन रिमूव द ओल्ड ब्लड फ्रॉम द स्टोमक और प्रिवेंट द हिपेटिक एंसेफेलोपैथी एंड अलाउ द मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग स्टेटस। इंसर्ट अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पोजिशनिंग इट अबोव द इसोफेजियल बलून एंड अटैच टू द सक्शन। इफ यूजिंग टू द माइनेसोटा ट्यूब, अटैच द फोर्थ पोर्ट इसोफेजियल सक्शन पोर्ट टू द सक्शन। यदि माइनेसोटा यूज करा है तो इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा इसोफेगस पोर्ट होता है, इसको भी सक्शन से जोड़ दो। और जो SBT है उसमें तीन ही पोर्ट होते हैं, तो गैस्ट्रिक पोर्ट है, गैस्ट्रिक पोर्ट को सक्शन से जोड़ दीजिएगा, क्लियर है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सर्व टू चेक फॉर द ब्लीडिंग और सक्शन सलाइवा एक्यूमुलेटेड अबो द इसोफेजियल बलून। दोस्त इसोफेजियल बलून के ऊपर जितना भी फ्लूड भरेगा उस फ्लूड को कैसे निकालोगे, तो उस फ्लूड को निकालने के लिए हमें डालनी पड़ेगी एनजी ट्यूब, क्लियर बात, समझ गए। तो सैंकस्टीकन ब्लैकमोर जिसको लगा हुआ है उसमें जो इसोफेजियल बलून है, जैसे कि अभी आपने देखा था पिछले इसमें, ये जो इसोफेजियल बलून है, ये इसोफेजियल बलून से ऊपर जितना भी फ्लूड सीक्रेट होगा यहां तक, इसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनजी ट्यूब डालनी पड़ेगी। एनजी ट्यूब से सिक्रेशंस को हम क्लियर करेंगे, क्लियर। अब अगर ये ट्यूब SBT है तो यहां पर ये जो पोर्ट है ओपनिंग से, ये क्या है, ये पोर्ट क्या है, ये गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट है। तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट है, ये लो, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट को कहां जोड़ेंगे, तो साहब इसको सक्शन से जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये बलून है, ये बलून तो हमने पहले इन्फ्लेट कर दिया था, गैस्ट्रिक बलून, गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेट करते ही और स्टोमक की जो कार्डियक स्फिक्टर है, ये कार्डियक स्फिक्टर क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो कार्डियक स्फिक्टर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया हमने, किसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, कार्डियक स्फिक्टर को, किससे, गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करके। तो ये गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेशन पोर्ट था, गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेशन पोर्ट से हमने क्या करा, इस बलून को फिट कर दिया। इसको फिट करते इसको क्या करना है, अब गैस्ट्रिक बलून पोर्ट को क्या करना है, क्लैंप कर देना है, क्लैंप कर दिया साहब। अब आता है बात इसोफेजियल बलून की, तो इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करने के लिए क्या करें, यहां पर पहले तो आप वाई पोर्ट जोड़ो, वाई पोर्ट जोड़ने के बाद क्या करें, एक तरफ तो सिरिंज जोड़ोगे वाई पोर्ट के और दूसरी तरफ जोड़ना है मैनोमीटर, और मैनोमीटर जोड़ करके और फिर क्या करना है, इस इसोफेजियल बलून को अब इन्फ्लेट करेंगे। तो ये इसोफेजियल बलून आप देख रहे होंगे, ये
इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करेंगे तो मैनोमीटर में प्रेशर आता रहेगा और प्रेशर का वैल्यू कितना रखना है 25 से 35 mm ऑफ Hg। साहब इससे ज्यादा प्रेशर अगर आपने लगा दिया तो क्या होगा, इसोफेगस में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, नेक्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखना इतना ही प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं एग्जर्ट करना है। बलून इन्फ्लेट हो गया। अब इसके बाद हमने कहा कि अबोव दिस बलून, इस बलून से ऊपर सिक्रेशंस को रिमूव करना है तो क्या करें, एनजी ट्यूब आप प्लस करें। इसके बाद अगर ये ट्यूब माइनस, ये तो पूरी डिजाइन किसकी बताई मैंने, एसबीटी की डिजाइन बताई, लेकिन यदि अगर ये ट्यूब माइनस होता होता तो फिर क्या होता, तो उसमें फिर इसोफेजियल सक्शन पोर्ट भी होते यहां पर, तो एक और उसके अंदर पोर्ट होता, ये नंबर फोर, और नंबर फोर जो होता इस पोर्ट का नाम होता इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट, और इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट को भी किससे जोड़ देते, सक्शन से जोड़ देते। समझ गए दोस्त, क्लियर हो गई बात। ये थी कहानी इन दोनों ट्यूब्स के बारे में। यहां तक पूरा फिट हो चुका है, ट्यूब सेट हो चुके हैं, हर तरह से क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूं आपका मैं। अब आगे बढ़ूंगा समापन की ओर, आगे बढ़ेंगे। देखो अब लेवल ईच पोर्ट, हर पोर्ट पे लेवल लगा दीजिएगा। टैप अ सीजर एट द हेड ऑफ द बेड, सीजर रखना है हमेशा आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है जो एम्स में आता है। प्रिवेंट द एक्सीडेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ द इरिगेशन, एयरवे ऑक्लूशन मेकर इफ द इसोफेजियल बलून इज पुल्ड आउट इन द हाइपोफेरिंक्स, इफ दिस अकर्स द इसोफेजियल बलून ट्यूब मस्ट बी कट एंड रिमूव द इमीजिएटली, अगर ऐसा हो जाता है तो। देन स्पेशल कंसिडरेशन याद रखना, मेंटेन द कॉन्स्टेंट विजिलेंस वाइल द बलून आर इन्फ्लेटेड इन द पेशेंट, कीप बलून प्रेशर एट द रिक्वायर्ड लेवल टू द कंट्रोल ब्लीडिंग, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द वाइटल साइन, मॉनिटर द कलर एंड अमाउंट ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक लवाज फ्लूड फॉर द एविडेंस ऑफ बलून, बी अलर्ट फॉर द चेस्ट पेन विच मे इंडिकेट इंजरी और रप्चर ऑफ द इसोफेगस, इरिगेट द सक्शन ट्यूब एज प्रेस्क्राइब, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द कलर एंड एस्पिरेशन मटेरियल, ये नॉर्मल फाइंडिंग से जो हमें करना ही होता है हमेशा। कीप द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड टू अवॉइड द गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन एंड डिमिनिश द नोजिया और सेंसेशन ऑफ गैंगिंग, मेंटेन न्यूट्रिशनल और इलेक्ट्रोलाइट लेवल, नॉट द नेचर ऑफ ब्रीदिंग, इफ द काउंटर वेट पुल द ट्यूब इन टू द ओरोफेरिंक्स पेशेंट मे बी एस्फिक्सिएटेड। क्लियर है दोस्त। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण, तीनों लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं और इनके तीनों के ही टेस्ट अभी 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आने वाले हैं। तो सीक्वेंस में टेस्ट अटेम्प्ट करना, सबसे पहला लेक्चर है ब्रोंकोस्कोपी का, उसका पहला टेस्ट देना, दूसरा टेस्ट एंडोस्कोपी का है उसका टेस्ट देना, और नंबर थर्ड पे तीसरा टेस्ट है आपके पास सेंक्स टेकन ब्लैकमोर, और सेंक्स टेकन ब्लैकमोर का टेस्ट दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बुगली को लाइक करने के लिए, बुगली को सपोर्ट करने के लिए। प्यारे दोस्तों, जिन्होंने भी आपकी बुगली ऐप को अभी तक भी रेटिंग नहीं किया है वो प्लीज बुगली ऐप को रेटिंग करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पढ़ाई को आप पहुंचाने की कृपा करें, ताकि आप भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ने का मौका दें, और कम से कम जितना मैं पढ़ा चुका हूं वो सबको सीखने का मौका मिले, और मेरा ये एक सपना पूरा हो, और इसमें आप उसके साथी हैं तो आप इस सब कार्य करने में कोई झिझक अपने अंदर नहीं रखें, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, क्योंकि अच्छी चीजों को स्प्रेड करना चाहिए, ये नेचर हमारे अंदर हमें रखना होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलेंगे कल सुबह 10:30 बजे या 10 बजे कल का टाइमिंग होगा, तो कल सुबह 10 बजे नए लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए आपको आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी पढ़ाई अच्छी चले, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।